अमोर प्रखंड क्षेत्र के जवारी पंचायत के मध्य विद्यालय रामनगर में मुखिया एहतसाम के द्वारा बाहर के प्रदेशों से आए हुए प्रवासी मजदूरों का क्वारंटाइन करवाया गया है। मुखिया एहतसाम ने इस संदर्भ में बताया कि उनके पंचायत के 48 मजदूर विभिन्न राज्यों से पंचायत पहुंचे हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिए बाहर गए हुए थे और उन्होंने तमाम मजदूरों को क्वारंटाइन करा दिया है। प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन में कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं, साथ ही पुलिस बल भी वहां तैनात है ताकि कोई वहां से भाग न सके। हालांकि क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों के लिए रहने और खाने का उत्तम व्यवस्था किया गया है, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार क्वारंटाइन सेंटर पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य विद्यालय रामनगर ग्राम पंचायत झवारी। कितने लोग यहां रह रहे हैं अभी? अभी तक 48 लोग आए हैं, आने का सिलसिला जारी है। 48 लोग यहां पहुंच चुके हैं। कब से ये सेंटर चल रहा है? ये सेंटर 8 तारीख से स्टार्ट किए हैं जी, और अभी तक चल रहा है। अभी मैंने सब सामान का वितरण किया है जी, जैसे ब्रश, पेस्ट, साबुन, नहाने वाला, धोने वाला, कपड़ा धोने वाला, बाल्टी, मग, प्लेट, गिलास, चुंगी, गमछा, सभी लोगों के लिए ये चीज मिल रहा है, सभी लोगों के लिए कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में देखरेख के लिए नियुक्त है ना? प्रधान अध्यापक को प्रभारी बनाया गया है, साथ ही कर्मी नियुक्त हैं, जिसमें एक PRS है, बाकी शिक्षक हैं, और मैंने अपने स्तर से ग्राम रक्षा दल रसोईया को प्रतिनियुक्त किया है। आपके द्वारा भी देखरेख होती है? सच में द्वारा भी देखरेख होती है, टाइम टू टाइम बाकी सभी कर्मी लोग उपस्थित हैं। और मैं विभिन्न विद्यालय में जो अपने बाहर से आके अपने गांव में क्वारंटाइन किया गया है, उनको विभिन्न विद्यालय से मैं रामनगर केंद्र मंगवाने का प्रयास करता हूँ।